केजरीवाल की 10 गारंटियों का ऐलान करने जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग कहेंगे कि चुनाव तो शुरू हो चुके हैं, बहुत लेट है, हम मानते हैं, लेकिन मेरी गिरफ्तारी की वजह से इसमें थोड़ी सी देरी हुई है। अभी भी कई चरण चुनावों के बाकी हैं। वैसे तो ये गारंटियां केजरीवाल की गारंटी के नाम से जारी की जा रही हैं। मैंने अपने इंडिया गठबंधन के दूसरे साथियों से इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन जिस किस्म की गारंटी है, मेरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को इसके बारे में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। ये जो गारंटी है 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है। इनमें कई ऐसे काम हैं जो पिछले 75 साल में हो जाने चाहिए थे, जो भी कारण रहे नहीं हो पाए। इनमें कई ऐसे काम हैं जिनके बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। मूलभूत काम है, किसी भी राष्ट्र की फाउंडेशन का काम है, नींव रखने का काम है। उसके बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन कामों को युद्ध स्तर के ऊपर अगले 5 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। इसमें वो गारंटियां हैं जो इस देश के लोगों को महंगाई और रोजगार से छुटकारा दिलाएंगी, उनसे उन लोगों को रिलीफ दिलवाएंगी। आजकल देश में मोदी की गारंटी की भी चर्चा चल रही है। मोदी जी की पुरानी गारंटियों के बारे में मैं थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगा। जनता तय कर लेगी कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जमा कराएंगे, वो उन्होंने नहीं कराए। मोदी जी ने गारंटी दी थी हर साल 2 करोड़ रोजगार तैयार किए जाएंगे, वो उन्होंने नहीं किए। मोदी जी ने गारंटी दी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके उसके हिसाब से किसानों को फसलों के दाम दिए जाएंगे, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको खारिज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, वो नहीं की उन्होंने। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक इस देश के हर घर के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। आज भी देश के कोने कोने तो छोड़िए, देश के कई शहरों के अंदर बिजली के लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बड़े बड़े लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15 अगस्त 2022 तक साबरमती और बॉम्बे के बीच में बुलेट ट्रेन चालू की जाएगी। अभी तक बुलेट ट्रेन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। अब तो शायद ये प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, कोई स्मार्ट सिटीज। इस तरह की ढेरों गारंटी दी थी जो कि कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। इसके पहले जब जब चुनाव आए, केजरीवाल ने गारंटी दी थी दिल्ली में और पंजाब में बिजली मुफ्त करेंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। हमने गारंटी दी थी बिजली 24 घंटे करेंगे, हमने बिजली 24 घंटे कर दी। हमने गारंटी दी थी शानदार स्कूल बनाएंगे, हमने बच्चों की शिक्षा के लिए शानदार स्कूल बनाए। हमने गारंटी दी थी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हमने जितनी गारंटी दी थी सारी गारंटी पूरी की। तो एक तरफ है मोदी की गारंटी, एक तरफ है केजरीवाल की गारंटी। मोदी की गारंटी का हम देख चुके हैं कि मोदी की गारंटी यकीन करने का लायक नहीं है। और अब तो अगले साल चूंकि मोदी जी रिटायर होंगे, तो उनकी रिटायरमेंट के बाद मोदी की गारंटी कौन पूरी करेगा, इसका भी कोई वो नहीं है। और केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल यही है, कहीं नहीं जा रहा।
तो केजरीवाल की गारंटी पूरी करने की गारंटी केजरीवाल लेता है। 10 गारंटी क्या है मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली गारंटी है देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे देश में 3 लाख मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। देश की पीक डिमांड, गर्मियों के अंदर पीक डिमांड, देश की सबसे ज्यादा डिमांड होती है 2 लाख मेगावाट। तो आज हम हमारा देश जितनी बिजली पैदा कर रहा है, पैदा कर सकता है, जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की हमारी क्षमता है, लेकिन मेरे घर के अंदर फिर भी पावर कट लग रहे हैं। क्यों? मैनेजमेंट खराब है। दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। बिजली तो थी लेकिन मैनेजमेंट खराब था। हमने मैनेजमेंट ठीक करके दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, पंजाब में भी किया, देश में भी करके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। दिल्ली में करके दिखाई, पंजाब में करके दिखाई, पूरे देश के अंदर फ्री कर सकते हैं। 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। एक एक कैलकुलेशन करके लाया हूं मैं हवा में गारंटी नहीं देता। केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है मार्केट के अंदर। अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पूरी करते हैं। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 1.25 लाख करोड़ रुपए हम इंतजाम करेंगे। 1.25 लाख, उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200-200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है। आज भी हमारे देश के गरीब लोगों को ये बिजली की पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। अगर किसी देश के अंदर ढेरों लोग अनपढ़ हैं, अगर किसी देश के अंदर ज्यादा बच्चे, कई बच्चों को बिलो स्टैंडर्ड, सब क्वालिटी, गंदी बेकार शिक्षा मिलती है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 10 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया, देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। अगर आप अमीर हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहते हैं, भेजिए। लेकिन आप अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो प्राइवेट स्कूल से किसी 1% भी कम नहीं होगी उस शिक्षा की क्वालिटी। ऐसी शिक्षा का इंतजाम गांव गांव के कोने कोने, देश के कोने कोने में अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेंगे। दिल्ली में किया, पंजाब में किया, हमें करना आता है, हमारी नीयत है। हम ये काम आजादी के वक्त हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। देर आए दुरुस्त आए, आजादी के 75 साल बाद भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, 2.5 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। साल हर साल 5 साल में हर साल 50,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा केंद्र सरकार को। 50,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। अगर 50,000 करोड़ रुपए सालाना खर्चे में मेरे देश के बच्चा बच्चा, अगर 18 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तीसरा, स्वास्थ्य। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी, बीमारी नहीं होगी, तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो ये 140 करोड़ लोग ही तो इस देश को आगे ले जाएंगे। कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी देश को आगे ले जाता है, जनता आगे ले जाती है। तो सब लोगों को अच्छे इलाज का इंतजाम करेंगे। आज अगर किसी को के घर में कोई बीमार हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, और प्राइवेट वालों ने लूट मचा रखी है पूरे देश में। कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने, उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पे बनाया जाएगा। और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा, इंश्योरेंस के आधार पे नहीं होगा। ये बहुत बड़ा स्कैम है। जितनी सरकारी, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार इंश्योरेंस आधारित जो स्कीम बनाती हैं, ये सब
बहुत स्कैम है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कोने कोने के अंदर, गांव गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, ताकि लोग वहां जाके अपना इलाज करा सकें और सबका इलाज मुफ्त होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इसके लिए भी 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, 2.5 लाख करोड़ राज्य सरकार देगी, 2.5 लाख करोड़ केंद्र सरकार देगी, 5 साल के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए, हर साल 50-50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा। राष्ट्र सर्वोपरि, हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया, हमारी केंद्र सरकार से जब भी पूछा जाए वो कहते हैं कोई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सैटेलाइट का जमाना है, सबके पास तस्वीरें हैं कि किस तरह से चीन ने हमारी सरजमी के ऊपर घुस के और उसके हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। जुठलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों से छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे देश की सेना के अंदर बहुत ताकत है, हमारे देश की सेना को एक बार इजाजत तो दीजिए, उसको स्वतंत्रता तो दीजिए काम करने की, वो देखिए आपको जीत के लाती है। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है, उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। इसके लिए एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स किए जाएंगे और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो इसके बारे में जो कदम उठाना चाहे कदम उठा सकती है। सेना को आज जो रोका जा रहा है वो रोका नहीं जाएगा। आज हमारी ये अग्निवीर योजना जो है कि हमारे युवाओं को फौज में भर्ती करके 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है, लोगों की एक ओनरशिप नहीं बनती। 4 साल के बाद अगर आप निकाल देंगे तो एक तरह से हम सेना को सबसे कटिंग एज लेवल के ऊपर हम कमजोर कर रहे हैं। ये अग्निवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है और जो बच्चे युवा हमारे अग्निवीर बन के जा रहे हैं वो लोग भी बहुत त्रस्त हैं। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा, जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा, उनको पक्का राष्ट्रीय सम्मान भी नहीं मिलता संस्कार के समय, तो उनको पक्का किया जाएगा, उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। और सेना के अंदर ये ठेकेदारी के ऊपर एक तरह से कच्चे में, अग्निवीर तो कच्ची नौकरी हुई ना, कच्ची नौकरी ये बंद की जाएगी और वापस पक्के के अंदर बच्चों को लिया जाएगा। और सेना को ये अग्निवीर योजना लाए थे क्योंकि केंद्र सरकार का मानना था कि सेना के ऊपर उनकी तनख्वाह और उनकी पेंशन के ऊपर पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। सेना के ऊपर, उस देश की सुरक्षा के ऊपर जितना पैसा खर्च करने की जरूरत है उतना पैसा खर्च किया जाएगा, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। छठी गारंटी किसानों के लिए, किसानों को आप इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दाम दे दें। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा है। किसान अपनी बारिश में धूप में मेहनत करके और अपनी फसल उगाता है और उसके बाद जब उसको फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते तब वो अपने ऋण नहीं चुका पाता, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता। अगर आप उसकी फसलों के दाम सुनिश्चित कर दें तो किसान को आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के पूरे, सभी फसलों के पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। सातवीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, जो दिल्ली वासियों का कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। बेरोजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। इसके लिए हमने बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की है, हमारे मंत्रियों ने, हमारी टीम ने बैठ के, सब लोगों ने बैठ के, कि 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युवकों को बेरोजगारी से निकाला जा सके। ये प्रोडक्टिव और इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी। भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा।
दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पे, दोनों लेवल पे, छोटे लेवल का भ्रष्टाचार और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार, हमने जो वार किया है उसी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाएगी। और दसवीं और आखिरी गारंटी व्यापारियों के लिए, अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति खुल के व्यापार नहीं कर सकते, अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते, तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार ने, उन लोगों को डराने का, धमकाने का। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा, जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा, और एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो वह व्यापार कर भी सकता है, उद्योग खोल भी सकता है, ज्यादा परमिशंस की जरूरत नहीं होगी। और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को और उद्योग को, हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है, जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और प्रोडक्शन में बहुत आगे है, हमारा कंपटीशन उनके साथ है। तो इसके लिए सभी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ये हम लोगों की 10 गारंटी है और मजबूत गारंटी है, और मैं समझता हूँ कि देश को इन सब उससे तरक्की मिलेगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो वाशिंग मशीन वाली बात के, तो क्या इसका मतलब है कि जो कार्रवाई हो रही है वैसी कार्रवाई आप लोग करेंगे? नहीं, हम कह रहे हैं वाशिंग मशीन तोड़ेंगे, हम ये कह रहे हैं कि आज ईमानदार लोगों को पकड़ पकड़ के जेल भेजा जा रहा है, बेईमानों को वो अपनी पार्टी में शामिल करके संरक्षण देते हैं और उनको ईडी और सीबीआई के केस, ये व्यवस्था बंद की जाएगी। जो असली बेईमान है, जिन्होंने असली में बेईमानी की है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा, इस तरह से पॉलिटिकल तरीके से विक्टिमाइजेशन बंद किया जाएगा। भाजपा के कानून में ऐसी बात नहीं लिखी हुई है और देश भर के लोग चाहते हैं उत्तर से दक्षिण तक कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। देखिए, कल मैंने बोला था कि, मैंने क्या बोला था, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कानून बनाया था, अपने नियम बनाए थे बीजेपी के लिए कि 75 साल की उम्र होने पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको कोई, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी नेता को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं देगी और उनको रिटायर किया जाएगा। उस नियम के आधार पे आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया, रीता बहुगुणा जोशी जी को रिटायर किया गया, संतोष गंगवार जी को, कई लोगों को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया। तो कल जब मैंने कहा कि उस नियम के हिसाब से 17 सितंबर 2025 यानी कि अगले साल प्रधानमंत्री जी जब 75 साल के हो जाएंगे तो वो भी रिटायर हो जाएंगे, जब मैंने ऐसे कहा तो कल मैंने देखा कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि वो नियम 75 साल वाला मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है, तो जाहिर तौर पे उनकी पार्टी के लोग उनको, उनके समर्थन में बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला अभी, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम उनको रिटायर नहीं होने देंगे, उनको, ये उनकी भावना है, उनके पार्टी के नेताओं की भावना है। प्रधानमंत्री जी ने जो नियम बनाया जिसके तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी किसी भी हालत में उस नियम को अपने ऊपर लागू होने से नहीं रोकेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे कि उस, जिस नियम में आडवाणी जी रिटायर हुए मैं उस नियम पे अपने ऊपर नहीं, या तो प्रधानमंत्री जी कह दें कि वो नियम अब मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, आडवाणी जी के लिए बनाया था वो, या तो वो कह दें, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कहेंगे। तो जाहिर तौर पर बाकी नेता सारे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो रिटायर होंगे, वो ऐसा, मेरी गुजारिश यह है कि प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि उनका सक्सेसर कौन होगा, नहीं तो आपस में मारकाट मचेगी उनके अंदर। दूसरी चीज, एक और चीज है, कल मैंने जो कहा कि वन लीडर वन नेशन का जो, वन नेशन वन लीडर का जो उनका वो आइडिया चल रहा है,
उसके तहत एक तरफ वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपनी सारी पार्टी के सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी की वसुंधरा राजे की डॉक्टर रमन सिंह को राजनीति से गायब खत्म कर दिया, खट्टर साहब को कर दिया। और अब जब मैंने जनता से पूछा, सारी जनता बोली योगी जी का अगला नंबर है। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में, चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे, तो ये बात तो कल पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। सर आपने अक्साई जी का नाम लिया, पर पीओके का नाम ले लिया, पीओके पे क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल, वो इसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, उसको भी वापस लेके रहेंगे। आप पीएम की गारंटी के सापेक्ष अपनी गारंटी लाए हैं, आपने अपने कुलवीर से भी बात नहीं की, सबसे बात करके लाए ना, जो इंडिया अलायंस है आपको? मैं सहमत हूँ, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर से, क्योंकि समय कम था, चुनाव आधा बीत चुका है, मैं माफी मांगता हूं उनसे, लेकिन मैं समझता हूं कि स्कूल खोलने पे, अस्पताल खोलने पे उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूं उनसे जब जब मौका गारंटी है आपकी, तो क्या लगता है कि चुनाव बाद इंडिया गठबंधन आता तो आपकी पीएम पद के लिए क्या? ना, मैं पीएम पद में, लेकिन जो भी सरकार बनेगी उस सरकार से मैं करवा के लाऊंगा, मेरे पे भरोसा करो। थैंक यू। थैंक यू। दिल्ली में सारी बीजेपी हारी है, बीजेपी हारी है सारी, जितनी है माहौल, आप एक बार जाके देखो, आपको तो, आप तो सारे पत्रकार घूमते ही रहते हो। आज शाम को 2 बजे जा रहा हूँ मोतीनगर, और दिल्ली से बाहर अभी जो फिक्स हुआ है क्या क्या है बताओ? बिहार में, महाराष्ट्र 17 तारीख को है, 16 तारीख को रांची है, शायद पंजाब, उसके बाद है 16 तारीख को सुबह रांची है, शाम को पंजाब है, 15 तारीख को लखनऊ है, और भी बन रहे हैं अभी। Will you be PM with India Alliance getting power?